हेलो गाइस, वेलकम बैक गाइस। अगर आपका बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहा है तो मैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिंस के बारे में आपको आज जानकारी देने वाली हूँ, जिसका यूज़ से आपका हेयर फॉल कंट्रोल होगा। मैं कुछ कुछ लक्षण बताऊंगी, अगर आप में वो लक्षण है तो आप उस हिसाब से टॉप ग्रेडेड होम्योपैथिक मेडिसिंस बताऊंगी जो यूज़ करने से आपका जो हेयर फॉल है वो आपका ठीक हो जाएगा। तो मैं हूँ अनुष्का, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और ये वीडियो आप पूरा देखिए, कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो हो सकता है आपको समझ में ना आए और आप गलत मेडिसिंस ले लो। और चलिए मेरे साथ बने रहिए। तो फ्रेंड्स, हेयर फॉल एक ऐसा प्रॉब्लम है जो एक परेशानी है, जिससे बच्चे बुजुर्ग सभी परेशान रहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये मेडिसिन जो मैं बताने वाली हूँ वो उन पे ही असर करेगा जिनको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, उन पे ये असर करेगा, ना कि जिन लोगों को 10 से 15 या 20 बाल झड़ते हैं एवरी डे। ये एक बॉडी का नॉर्मल प्रोसेस है, ये होगा ही, 10 से 15 बाल या 20 हेयर फॉल होगा ही एवरी डे। लेकिन मैं जो मेडिसिन बताने वाली हूँ, जिन लोगों को बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, बर्डनेस क्रिएट हो रहा है, अगर स्कैल्प में एक ग्लेज टाइप का हो रहा है, तो उन लोगों के लिए ये आज का वीडियो है, ना कि जो बॉडी का नॉर्मल प्रोसेस है जिससे आपका एवरीडे 10 to 15 या 20 बाल जो झड़ते हैं वो नॉर्मल प्रोसेस है, उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। फर्स्ट मेडिसिन है, अगर आपका बहुत ज्यादा कंघी करने के टाइम बाल झड़ रहे हैं और आप देख रहे हो आसपास में बहुत ज्यादा बाल गिरे हुए हैं, तो आपको लेना है एक बहुत ही अच्छा मेडिसिन होम्योपैथिक, जो है कैल्केरिया फॉस 30 पोटेंशी में, और जो आपको सुबह, दोपहर और शाम तीनों टाइम 2 बूंद करके अपने टांग में ले लेना है। और इसको आप लंबे समय के लिए यूज कीजिए, 1 to 2 months आप इसको यूज कीजिए, आपको जरूर ये इफेक्ट करेगा। दूसरा मेडिसिन है, अगर आपका बहुत लंबे टाइम में आपका कोई बीमारी हुआ था, जैसे टाइफाइड या फिर जॉन्डिस, नहीं तो मलेरिया, कुछ इस तरह की बीमारी के बाद से आपका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो आपको जो मेडिसिन लेना है वो है एसिड फ्लोर 30 पोटेंशी में, सुबह, दोपहर, शाम 2 बूंद करके डायरेक्ट ऑन टंग, और लेने के बाद आप ये 1.5 से 2 महीने तक आप यूज़ कीजिए, जो हेयर फॉल प्रॉब्लम है वो ज़रूर प्रिवेंट होगा। तीसरा मेडिसिन है, अगर आपका बेबी हुआ है और बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है, आप में बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन का कमी है, या फिर बच्चे जिसको हीमोग्लोबिन कम है वो ये मेडिसिन ले सकते हैं। उसके वजह से अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो नेट्रामोर 30 आप यूज़ कीजिए, सुबह, दोपहर, शाम 2 बूंद करके टंग में लीजिए, तो ये डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। आप 2 से 3 महीने तक आप इसको यूज़ कीजिए। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है लाइकोपोडियम 200। अगर दोस्तों आपका हेयर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है और कम उम्र में ही आपका बहुत ज़्यादा ग्रे हेयर का प्रॉब्लम है, और आप में तो बहुत ज़्यादा एसिडिक प्रॉब्लम होता है, एसिड हो जाते हैं, तो आपको ये लाइकोपोडियम 200 लेना है, सिर्फ सुबह में 1 बार 2 बूंद डायरेक्ट ऑन टंग, और उसके बाद आप इसको 15 दिन यूज़ कीजिए। 15 दिन लेने के बाद 1 हफ्ते के लिए इसको छोड़ दीजिए, आप वेट कीजिए, देखिए आपका हेयर फॉल कितना कंट्रोल हो रहा है। अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर आप सिर्फ हफ्ते में 1 दिन इसका हायर डोज लीजिए, जैसे कि लाइको का 1 mg पोटेंशी में लीजिए, आप टंग में लीजिए वीकली सिर्फ 1 डे, तो इससे आपको जरूर फायदा होगा। लेकिन दोस्तों, ये मेडिसिन अगर आप पे काम नहीं हुआ, आपका अगर हेयर फॉल बंद नहीं हो रहा है, तो इसको बंद कर दीजिएगा, ज़्यादा दिन तक ये मेडिसिन आप मत लीजिए। अगर लेना है तो फिर कोई डॉक्टर दिखा के, फिर उससे बात करके फिर लीजिए। नेक्स्ट जो मेडिसिन के बारे में मैं बताने वाली हूँ वो है सिलेनियम 200। ये स्पेशली मेल टाइप मेडिसिन है, मेल पे ज़्यादा काम करते हैं, फीमेल पे भी नहीं काम करते ऐसा नहीं है, लेकिन फीमेल पे ये ज़्यादा काम करते हैं। अगर आपको हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, हेरिडिटरी आपका बर्डनेस होता है, आपके पापा का भी है, दादा का भी अगर होता है, तो उसमें ये मेडिसिन काम करता है। और अगर आपका हार्मोनल चेंजेस के वजह से हेयर फॉल हो रहा है तो उसमें ये काम करेगा। सिलेनियम 200 सुबह और शाम दोनों टाइम आपको ये लेना है, और ये आप 1.5 से 2 महीने तक ले सकते हैं आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं है, और ये आप में ज़रूर इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो है सीपीओ 30 और कार्बोबेज 30, दोनों को मिला के आपको लेना है। अगर आपका डिलीवरी हुआ है और आप बच्चे को दूध पिला रहे हो, उसके बाद से आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और बहुत ज़्यादा आप में ना वीकनेस क्रिएट हो रहा है, पोस्ट डिलीवरी में बहुत अच्छा काम करता है, इस दोनों को मिला के आपको सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम आप इसको लीजिए 2 बूंद करके, और इसको लंबे समय तक आप ले सकते हो, 1.5 से 2 महीने तक आराम से आप इसको यूज़ कीजिए। ये डेफिनेटली आपका हेयर फॉल कंट्रोल करेगा और पोस्ट डिलीवरी जो प्रॉब्लम रहता है उससे भी आपको राहत मिलेंगे।
नेक्स्ट मेडिसिन है विंका माइनर 30। गाइस अगर आपका हेयर एक बाल के साथ चिपक रहा है, बहुत ज़्यादा चिपचिपेसा हो रहा है, मान लीजिए आज आपने शैम्पू किया, कल ही आपका हेयर बहुत ज़्यादा चिपक रहा है, ऑयली हो जाते हैं, तो ये मेडिसिन आप में बहुत अच्छा काम करेगा। और साथ में एज यूजल आपका हेयर फॉल भी हो रहा है, तो आपको क्या करना है, सुबह दोपहर शाम ये मेडिसिन आपको लेनी है 2 बूंद करके। इसको आप लंबे समय तक ले सकते हो, 1.5 से 2 महीने तक आप इसको आराम से लीजिए, तो आप में ये ज़रूर काम करेगा और डेफिनेटली आपका हेयर फॉल भी कंट्रोल होगा। नेक्स्ट मेडिसिन है वेस्ट वेटन 200। ये आपको लेना है सुबह में सिर्फ एक बार, जिससे आपका अगर बहुत ज़्यादा थिन हेयर है, हेयर फॉल होता है, न्यू हेयर ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो ये आपको लेना है। ये मेडिसिन लेने के बाद आपका जो हेयर थिनिंग प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा, हेयर आपका जो है ना हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा, न्यू हेयर ग्रो होगा। जिन लोगों का बहुत ज़्यादा थिन हेयर है वो मोटा करने में मदद करता है और बालों को डार्क करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। गाइज ये और एक बात है, मेडिसिन आप पेशेंट्स के साथ लीजिए। अगर आप ऐसा, मैंने बहुत जन को देखा है कि 1 मंथ यूज करने के बाद बंद कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये मेडिसिन मेरे में काम नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ब्रेन के ऊपर में बॉडी के इस पार्ट से इस पार्ट तक हम लोगों का मेडिसिन या कोई भी चीजें जा नहीं पाता है, क्योंकि ब्रेन रहता है, तो ब्रेन में कोई भी, अगर आपका बॉडी में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो ताकि वो ब्रेन में ना जाए, तो उस हिसाब से हम लोग का बॉडी काम करते हैं कि ऊपर तक कोई भी चीज़ें, जैसे बुरी चीज़ें ऊपर में नहीं जाने देते हैं, ब्रेन तक यहाँ से कोई भी चीज़ें जाने में लेट होता है, बहुत जल्दी इफेक्ट नहीं करता है। तो जैसे बुरी चीज़ें ऊपर तक नहीं जाने देता है, वैसे कोई भी अच्छी चीज़ें भी ऊपर तक नहीं जा पाता है। पेशेंट्स के साथ लीजिए होम्योपैथिक मेडिसिन और आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। अंदर से भी ये जो मेडिसिन मैंने बताया, आप अपने बॉडी के हिसाब से जो आपका प्रॉब्लम है सिम्टम्स देख के उसी हिसाब से आप मेडिसिन लीजिए, साथ में सॉल्यूशन भी लगाइए होम्योपैथिक का, जिसके बारे में मैं लिंक दे दूंगी, आप वहां से चेक करके वो वीडियो देख के हेयर लोशन आप लगा सकते हो, उसका अलग से वीडियो है, मैं स्क्रीन में दे दूंगी, आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो अगर दवाई खाएंगे साथ में हेयर में लगाएंगे भी स्कैल्प में, तो आपका इफेक्ट बहुत अच्छा आएगा। मैं अनुष्का, फिर मिलती हूँ मेरा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।